बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो भाई हैप्पी बर्थडे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को और नेमार जूनियर। भाई दोनों अनआर्ग्यूबली, रोनाल्डो तो भाई लिविंग लेजेंड है फुटबॉल का, नेमार श्योरली 110% बहुत बड़ा लेजेंड बनेगा फुटबॉल का बाय द टाइम ही रिटायर्स। विथ दैट सेड भाई, आज हमारे पास बात करने के लिए सबसे मेन टॉपिक है अबाउट द चेल्सी वर्सेस टॉटनेम गेम। एंड वॉज आई रॉन्ग व्हेन आई सेड दिस? आई वॉज पर्टिकुलरली इन द माइंड कि भाई लैम्पार्ड को इतनी जल्दी सैक नहीं करना चाहिए था। मैं पर्टिकुलरली पिछले कई टाइम से ये सोच रहा था कि लैम्पार्ड की अकेले की गलती नहीं है जिस तो भाई हाँ, मैंने डिफेंड किया था जब फ्रैंक लैम्पार्ड को सैक किया गया था। मैंने खुद बोला था कि लैम्पार्ड की सैकिंग गलत है, ही शुड नॉट हैव बीन सैक्ड। बट अब जब टुशेल आ चुका है रेंज में, एंड खासकर कल के मैच की अगर आपने सिर्फ ब्लेटेंटली स्कोर लाइन देखी होगी और अगर मैच नहीं देखा होगा तो आपको लगा होगा कि भाई स्टैट्स अच्छे हैं, टुशेल की टीम बहुत अच्छा खेली होगी एंड दे माइट हैव डिजर्व द 1-0 विन, एंड दे डिड, दे पर्टिकुलरली डिड। बट क्या ऐसी चीज़ थी जिस वजह से मैं ये बोलूँगा कि दिस इज स्टिल नॉट वेरी कन्विंसिंग? वही चीज़ के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। विद दैट सेड इज ऑलवेज लेट्स बिगिन। तो भाई चेल्सी अपने वही क्लासिक जिस तरीके से टुशेल के अंडर लाइनअप कर रही है पिछले 2-3 गेम से, एक 3-4-3 या फिर 3-4-2-1 बोल लो, क्योंकि वो दो विंगर्स आपके इनसाइड फॉरवर्ड्स ही हैं, तो आप उसको चाहे 3-4-3 बोल लो चाहे 3-4-2-1, इसी फॉर्मेशन में खेल रही है। सेम टू पिवट्स जॉर्जिनियो एंड कोवाचिच इस बार, लेकिन अप टॉप, क्योंकि चेल्सी के तीन गेम में तीन डिफरेंट प्लेयर्स अप टॉप खेले हैं। फर्स्ट गेम में जिरू खेला था, सेकेंड गेम में टेमी अब्राहम खेला था, थर्ड गेम में अब वर्नर खेल रहा था। बट गोइंग इन टू दिस मैच, चेल्सी के सामने एक बहुत बड़ा टास्क था। ऑल्दो जोसे मुरीनियो की टीम लास्ट मैच में ही हारी थी अगेंस्ट ब्राइटन एंड वेल्बियन, बट जोसे मुरीनियो अपने पूरे कैरियर में कभी भी दो कंटिन्यूस लीग गेम्स नहीं हारा है। एंड ये एक बहुत बड़ा टास्क था भाई थॉमस टुशेल के लिए कि भाई वो मुरीनियो को एट होम एट द टॉटनहैम स्टेडियम हराए। अब टुशेल की टैक्टिक्स हमको पता ही है, ही इज गोइंग टू प्ले अ वेरी पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, फॉर्मेशन हमने डिस्कस ही कर लिया। टॉटनहैम का इट्स नथिंग डिफरेंट, जैसे हमेशा खेलते हैं, बस एक डिफरेंस था बिकॉज ऑफ हैरी केन्स इंजरी स्ट्राइकिंग पोजिशन पे कार्लस विनीशियस खेल रहा था। अब ही इज़ गुड, ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट आई फील, बट नॉट एज गुड एज हैरी केन यार। अब वी ऑल नो दिस थिंग, हैरी केन इज समथिंग डिफरेंट एंड वो बंदा बहुत साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ भी आया है। तो इस गेम में बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट वाज हैपनिंग इज कि सॉन को काफ़ी इंटरनल आना पड़ रहा था, काफ़ी इनसाइड आना पड़ रहा था, वो फ्लैंक्स पे अपने पेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा था जिस तरीके से हैरी केन के रहते हुए कर रहा था। जोसे मुरीनियो की टीम एज एक्सपेक्टेड डीप बैठ कर एकदम, मतलब यू नो, कॉम्पैक्ट इन डिफेंस स्टेइंग बिहाइंड रहकर खेल रही थी, एज वी वुड थिंक देम दे वुड डू। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आई इज उनका डिफेंस तो ठीक है, जो था सो था, बट एरिक डायर बार बार आउट ऑफ पोजिशन कॉट हो जा रहा था एंड वो स्पेसिस ग्रांट कर दे रहा था स्ट्राइकर्स को। अब यहाँ पर आई वुड लाइक टू प्रेज वर्नर, वो गोल नहीं मार पाए, वॉजेंट वेरी इफेक्टिव इन द गेम, बट एटलीस्ट भाई एटलीस्ट वर्क रेट दिख रही थी बंदे से। इस गेम के फर्स्ट हाफ में टॉटनहैम सीम्ड कम्प्लीटली आउट ऑफ इट, किसी भी मोमेंट पर ऐसा नहीं लगा कि टॉटनहैम वुड बी एबल टू डू एनीथिंग, बिल्कुल भी नहीं लगा कि भाई टॉटनहैम इस गेम को विन कर पाएगी किसी भी चांस में भाई, सीरियसली, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। इन द सेकेंड हाफ, इन द लास्ट 15-20 मिनट्स, बिकॉज चेल्सी ने गेम किल ऑफ नहीं किया जब उनके पास चांस था, फर्स्ट हाफ में देखो डैव स्कोर 2, सेकेंड हाफ के फर्स्ट 20 मिनट्स में देखो डैव स्कोर अनदर 1, अगर वो लोग उतना अच्छे से करते तो, बट दे कुड नॉट किल द गेम ऑफ। इसलिए लास्ट के फ्यू मोमेंट्स में ऐसा लगा, देर वॉज दिस फीलिंग कि भाई टॉटनहैम मे बी एबल टू पुल दिस गेम आउट, क्योंकि लास्ट में फिर प्लेयर्स वर गेटिंग इफेक्टिव, एवरीवन वाज क्रिएटिंग चांसेस एंड टॉटनहैम जनरली वर ट्राइंग टू गो लॉन्ग टू कार्लस विनीशियस। अब कार्लस विनीशियस वॉज अपेरेंटली गुड इन विनिंग द बॉल, वो बॉल्स विन कर रहा था एयर में, बट बिकॉज ऑफ द डीप लाइंग एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर उसके पास कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था एंड ही ऑब्वियसली डज नॉट हैव द विजन सॉन को फाइंड करने के लिए। सेकेंड चीज़, सॉन काफ़ी इनसाइड आके खेल रहा था बिकॉज दे वर प्लेइंग विथ टू पिवट्स, एंड दो पिवट्स के साथ जब आप खेलते हैं
तो एक पिवट को अगर आप स्ट्राइकर मार्क भी कर लेता है तो दूसरा आराम से बैठेगा भाई। वहीं अगर हम एक्सजी की बात करें भाई, तो 2.54 एक्सजी था चेल्सी का, जिसको उसने ऑब्वियसली अंडर परफॉर्म किया। वहीं टॉटनेम का एक्सजी 0.3 0.4 कुछ था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट बहुत कम एक्सजी था। दे डिड नेवर सीम्ड क्लोज टू स्कोरिंग अ गोल। अब सिंस द पेनल्टी, सिंस द गोल, देयर वाज ओनली वन टीम इन दिस मैच अगर एक्सजी चार्ट की बात करें तो, एंड दैट वाज ऑब्वियसली चेल्सी। बट इस गेम में क्यों मैंने ये चीज़ बोला कि मुझे नहीं लगी कि भाई कन्विंसिंग नहीं थे चेल्सी इस विक्ट्री में, बिकॉज दे कुड हैव किल्ड द गेम ऑफ वेरी अर्ली, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टॉटनेम बहुत पुअर थी। एंड तीसरी एंड फाइनल चीज़ भाई, फाइनली जोजे मुरिनियो दो कंजेकेटिव होम गेम्स हार गया है इन हिज कैरियर, इन हिज 20 ईयर्स ऑफ इलस्ट्रियस कैरियर पहली बार ये हुआ है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू चेल्सी एंड थॉमस टुशेल फॉर डूइंग समथिंग दैट नो वन एवर हैज़ डन येट। तो भाई विद दैट सेड, एज ऑलवेज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू डिड देन ड्रॉप अ लाइक भाई। अगर अच्छा लगा, यू फेल्ट दैट मैंने आपको कोई वैल्यू ब्रिंग की है, देन यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकॉन भी दबा देना। विद दैट सेड, एज ऑलवेज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, दिस इज एफ केयर साइनिंग आउट। बाय बाय।